दोबारा भी पेंशन ले लेता है अगर दोबारा नॉमिनेट होता है। तो ये फोर्सी के साथ बहुत बड़ा बदला मचा है। जब फोर्सी इस किस्म के गतिविधियां जो सीमाओं पर अपने देश के लिए शहीद होते हैं जवान और उनके बच्चों को भी बड़ी दिक्कतें होती हैं, उनको योग्यता के आधार पर आज बेरोजगारी इतनी जबरदस्त है कि उनको भर्ती का भी अपॉइंटमेंट का भी हक नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा शोषण हमारा आज इंडिया में आजाद है। आज हर कर्मचारी चाहता है कि मेरे हक मिले, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को हक मिले। लेकिन हमारे हरियाणा में जैसे पीछे आदल साहब ने भी और दूसरे हमारे चौधरी अधिवक्ता साहब ने भी कहा, उन्होंने दिल्ली पुलिस में शहीद का दर्जा दिया। हमारे हरियाणा में बड़े इंसिडेंट हुए, आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया, दिया है तो कुछ याद नहीं मिला। जैसे ये हमारी फोर्स में है जो अफसरों के चेहते हैं उनको मेडल देते हैं, राष्ट्रपति मेडल भी देते हैं, काम करने वाले को आप नहीं देते, उनको तो जूते मिलते हैं। जो चापलूस टाइप के इंसान है, कर्मचारी है, वो बढ़िया पोस्टिंग भी करते हैं, इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। उसमें हमारे भाई बैठे हैं, सीआईडी के हैं, आईबी के हैं, इंटेलिजेंस के, इन्हें पता होना चाहिए कि ये आपके हकों के लिए लड़ रहे हैं, ये फेडरेशन जो आज है या मीटिंग कर रही है, ये जो भारत सरकार बताने जा रहे हैं हम क्या क्या हुआ। मैं 38 साल में मैं बगैर भोगी हूँ, मुझे भी देशद्रोही के मुकदमे में 3 दर्ज हुए थे और सजा भी हुई थी, सेशन कोर्ट से बरी हुआ था और बाइज्जत रिटायरमेंट, सब इंस्पेक्टर भी रिटायरमेंट किया। लेकिन हमारे साथ इतनी जाति अंग्रेज भी नहीं करते थे, जो अफसरों आईपीएस उनकी, चाहे वो भजनलाल की सरकार हो, चाहे वो चौटाले की सरकार हो, एनी और जितनी भी राष्ट्रीय नेता हुए, उनसे मीटिंगें भी होती रही, लेकिन इतने झूठ बोलते हैं उन्हें, फोर्स का काम कामना काम उल्लू सीधा कर लेते हैं, उनके कर्मचारियों के प्रति कभी वेलफेयर के नाम से पता मजाक करते हैं। हमारे साथ हो ही है, इसलिए हम आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जब हमारे प्रधान ने भी बताया था कि पिछले साल सीएम साहब से हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग में हमने जो एजेंडा रखा उसमें सारी कर्मचारी वेलफेयर से संबंधित, उनके चाहे भर्ती से थे, चाहे उनके भर्ती का था, चाहे राशन का था, एनी डिमांड थी वो हमने रखी, सीएम साहब ने यस की। अब कई बार ऐसे अधिकारी बीच में आ जाते हैं कि वो कर्मचारियां शोषण करना बंद नहीं करते, वेलफेयर के नाम से करते हैं शोषण। अब उसमें हमने आरटीआई के माध्यम से कई हमारे पास मैसेज आगे उनके लिखित में ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त कार्रवाई कर नहीं, जो आयोग बैठे वो भी नहीं सुनते हैं, छोटे कर्मचारी कोई से सुनता नहीं। हमारे कई बार बार कहने के बाद हमारा वेलफेयर टोटल पुलिस का ऑल इंडिया का वेलफेयर बना हुआ है, हेड बना हुआ है अलग से, उसमें हमारे कर्मचारी को लोन भी मिलता है क्योंकि 10-20 हज़ार रुपये उसको पेंशन जो वेलफेयर है उससे लोन मिलता है, लोन भी बंद हो रहा है आज के टाइम में, ये हमारा वेलफेयर कट रहा है, लोन नहीं दे रहे उसको, इससे बड़ा क्या वेलफेयर करेंगे। वर्दी का सुनो, हम कपड़ा लेकर गए मौजूदा सीएम के पास, पिछली सरकार ने टोटली डिपार्टमेंट का हरियाणा एम्प्लाइज का कपड़ा परचेज किया 50,000 मीटर, डीजीपी दलाल साहब ने किया था, उसकी कमेटी ने किया था, वो मौजूदा सरकार को हमने कपड़ा दिखाया, सीएम को कपड़ा दिखाया, डीजीपी साहब को 1 घंटा 20 मिनट मीटिंग हुई, लेकिन कोई हल नहीं हुई, अनाउंस कर दी लेकिन नोटिफिकेशन आज तक किसी चीज का भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब ये तरह तरह की घोषणाएं करते हैं, मोबाइल का है, अब ये युग आ गया मतलब मोबाइल का, अब हर पीसीआर पे हर थाने में एक एक घंटे में लोकेशन बताएंगे, अरे वो अपनी तनख्वाह से इस मोबाइल को चार्जिंग कराता है। लेकिन कभी हमने बार बार लिख के भी दे दिया, आरटीआई भी लगा ली, भाई जो पंजाब में मोबाइल भत्ता मिल रहा है क्या हरियाणा में गुनाह है? ड्यूटी सेम है, वही सेम स्टेट है, हिमाचल पंजाब हरियाणा सेम ड्यूटियां है, सेम स्टेट है, चंडीगढ़ हमारी राजधानी है हरियाणा की पंजाब की, और वहां भी भेदभाव किया जा रहा है। आज पंजाब की तनख्वाह तो हमारे से 5-7 हज़ार रुपये ज्यादा है, लिख ये रिकॉर्ड की बात वैसे नहीं करें,
लेकिन हमने बार बार पिछली सरकारों से भी कहा जी हमारे साथ ये भेदभाव बंद किया जाए। भूपेंद्र हुड्डा साहब से हमने ज्ञापन दिया, उसने उसी टाइम हमारे को सस्पेंड कर दिया। एक ज्ञापन देने में सस्पेंड में स्टेट प्रेसिडेंट था और मेरे साथ दूसरे अधिकारी थे, पदाधिकारी थे हमारे, उनको राह दिया ही ये बात। हमने हाईकोर्ट से अपनी वापसियां कराई, अगर ये कोर्ट नहीं होती ना तो हमें जिंदा निर्णय दें। जैसे मैं पीछे मिसाल बताई, मैं दूसरे कर्मचारी ने बड़ा शोषण किया है, सीआरपी का उदाहरण दे रहे थे एडवोकेट सर, दूसरे और भी हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, उन्होंने तकरीबन अपनी फोर्स के बारे में मेरा जो जोन कर रहे हैं, लेकिन वो प्रधान जी ने एक मिसाल कायम की है कि जब तक किसी आईपीएस के या सीनियर मोस्ट सीनियर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। हमारे हरियाणा में होया है, हमारे तीन चार डीजीपी कैद में गए कि उन्होंने करप्शन की है, उन्होंने जाति की जनता है साहब, और वो एसपी सेशन में वो मुद्दे भी उठाए थे। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा तो भर्ती का है, एजुकेशन एक्सपायरी है, आठवीं है वो गलत है, दसवीं है गलत है, उसका स्टैंडर्ड बताओ। आज हर फील्ड में बेरोजगारी है, हर एक को अगर फिजिकल उसका राइट है, फिजिकल में वो पास है, फिर भी उसको फेल रखते हैं। इसी तरह हमारा तो एक लोअर कोर्स है, बीवन कोर्स बोलते हैं, उसको अफसर है जो ड्राइवर हैं कंप्यूटर के, उसका स्टाफ है ऑफिस का, फील्ड वाले रह जाते हैं, उनको आगे चढ़ा रहे हैं। थाने को आज मुंशी लगने वाला नहीं है, कोई एमएससी का वर्क नहीं करना चाहता, फोली फोली चाहिए, स्टार भी चाहिए और रुपये भी चाहिए। तो ये हमारे अधिकारी जो हैं उन्होंने लूट का बहुत बड़ा एक इतनी बड़ी मिसाल है वो बार बार हम कहना नहीं चाहते कि मीडिया में भी, लेकिन बहुत बड़ा अत्याचार है, बड़ी भारी करप्शन है, करप्शन की लूट मजा रखी है। हम थाने में जाते हैं, हम फोन पर किसी ने कहना कौन बोल रहा है, तुम बोल रहा है, अफसर तले तले हो नीचे नीचे। पिछली सरकार में हमारे के पी सिंह थे, उन्होंने पैरेलल एक करप्शन के दो चार नायक थे, उनको सोसाइटी रिलेशन करा देना और उनको ही बना रहा, मतलब बस अफसर ऐसे चाहते हैं। चटाला साहब की सरकार में हमारे को ऑफिस मिल रहे थे, ₹5 एसोसिएशन के कट रहे थे, एक हमारा देश वाला था कमांडो एंड आईडी के पद पर थे, उसने उसकी इंस्पेक्शन डालकर वो दफ्तर भी बंद कर वो करवा दिए, मतलब अच्छे से अच्छे कंडक्ट लाए उन्होंने। कभी एसोसिएशन कर्मचारी हम भलाई के लिए या इनके परिवार के इनके बच्चों के लिए इस किस्म की कोई बात तो मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ। तो मैं यही अपना